अब हम सेकंड ईआर डायग्राम का एग्जांपल देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? एक कॉलेज का डेटाबेस है। अ कॉलेज कंटेन्स मैनी डिपार्टमेंट्स, ईच डिपार्टमेंट कैन ऑफर एनी नंबर ऑफ कोर्सेस। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट और कोर्स में रिलेशनशिप है, ठीक है। मैनी इंस्ट्रक्टर्स कैन वर्क इन अ डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स या फैकल्टी हो सकती है। एन इंस्ट्रक्टर कैन वर्क ओनली इन वन डिपार्टमेंट, और एक फैकल्टी जो है एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगी। जैसे सीएस की फैकल्टी है तो सीएस डिपार्टमेंट की से ही बिलोंग करेगी। फॉर ईच डिपार्टमेंट देयर इज अ हेड, हर डिपार्टमेंट का क्या होगा, एक हेड होगा। एन इंस्ट्रक्टर कैन बी हेड ऑफ ओनली वन डिपार्टमेंट, और जो हेड होगा वो एक ही डिपार्टमेंट का होगा। अगर सीएस का हेड है तो सीएस का ही हेड रहेगा, वो ईसी का हेड नहीं होगा। ईच इंस्ट्रक्टर कैन टेक एनी नंबर ऑफ कोर्सेस। इंस्ट्रक्टर यहाँ पर या फैकल्टी जो है कितने भी कोर्सेस को पढ़ा सकती है। प्रीवियस वाले में क्या था कि इंस्ट्रक्टर कैन डिलीवर ओनली वन कोर्स, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि इंस्ट्रक्टर मल्टीपल कोर्सेस को पढ़ा सकता है। जैसे आपकी सीएस की फैकल्टी है वो एक क्लास में जो है सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रही है और दूसरे में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रही है, तो ऐसा हो सकता है। अ कोर्स कैन बी टेकन बाय ओनली वन इंस्ट्रक्टर। अ स्टूडेंट कैन एनरोल फॉर एनी नंबर ऑफ कोर्सेस, ईच कोर्स कैन हैव एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसको पूरा डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे इसको हम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एंटिटी आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर एंटिटीज कौन कौन सी दिख रही है, इंस्ट्रक्टर, कोर्स, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट। तो ये फोर एंटिटीज हैं इसमें। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें रिलेशनशिप क्या क्या है, डिपार्टमेंट हैज इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डिपार्टमेंट और हमारे पास चार ही एंटिटीज है, डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्टर, कोर्स और स्टूडेंट। तो इनके बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना होगा। तो डिपार्टमेंट और इंस्ट्रक्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो हमारे पास क्या है, फोर एंटिटीज है, डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट और कोर्स। तो डिपार्टमेंट और इंस्ट्रक्टर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि डिपार्टमेंट हैज इंस्ट्रक्टर्स। तो इन दोनों के बीच में किस टाइप की रिलेशनशिप हैज की। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट और कोर्स में क्या है, कि डिपार्टमेंट ऑफर्स कोर्सेस। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ऑफर्स। डिपार्टमेंट और इंस्ट्रक्टर में क्या है, कि डिपार्टमेंट हेडेड बाय इंस्ट्रक्टर, मतलब हर डिपार्टमेंट का क्या होगा, एक हेड होगा जो। तो डिपार्टमेंट हेडेड बाय इंस्ट्रक्टर, ये इंस्ट्रक्टर कौन सा है, जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडी। तो डिपार्टमेंट हेडेड बाय इंस्ट्रक्टर, तो डिपार्टमेंट में इंस्ट्रक्टर्स, यानी डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल फैकल्टीज है और डिपार्टमेंट के अंदर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है वो बाकी फैकल्टीज है और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट क्या है, कोर्स इनरोल्ड बाय स्टूडेंट। कोर्स और स्टूडेंट के बीच में क्या है, कि स्टूडेंट जो है किसी भी कोर्स को के लिए इनरोल कर सकता है, और कोर्स इज टॉट बाय इंस्ट्रक्टर। और कोर्स और इंस्ट्रक्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कि कोर्स जो है वो उसे कौन पढ़ाएगा, इंस्ट्रक्टर पढ़ाएगा। तो ये फाइव टाइप्स की रिलेशनशिप है, एक है हैज, ऑफर्स, हेडेड बाय, इनरोल्ड बाय एंड इज टॉट बाय। तो ये फाइव रिलेशनशिप है इसमें। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, कार्डिनैलिटी आइडेंटिफिकेशन। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, वन डिपार्टमेंट ऑफर्स मैनी कोर्सेस या एनी नंबर ऑफ कोर्सेस, एनी नंबर मतलब मैनी कोर्सेस, बट वन पर्टिकुलर कोर्स कैन बी ऑफर्ड ओनली बाय वन डिपार्टमेंट, ठीक है। ये तो बोल दिया इन्होंने कि एक डिपार्टमेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेस ऑफर कर सकता है, जैसे सीएस डिपार्टमेंट जावा, ओरेकल, ये सब ऑफर कर रहा है, सी प्लस प्लस। लेकिन क्या जावा ईसी के लिए होगी क्या, या ओरेकल होगी क्या, या सी प्लस प्लस होगी क्या, नहीं। एक जो पर्टिकुलर कोर्स है इट बिलोंग्स टू वन डिपार्टमेंट, ठीक है। जो भी ये कोर्सेज है ये सीएस डिपार्टमेंट के कोर्सेज हैं, तो ये सिर्फ सीएस डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड करेगा, ईसी डिपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो डिपार्टमेंट से ये कोर्सेज मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोर्सेज के लिए डिपार्टमेंट क्या होगा, सिंगल होगा।
तो इसीलिए यहाँ पर क्या रहेगी, वन टू मैनी। डिपार्टमेंट साइड क्या आएगा, वन, और कोर्स साइड क्या आएगा, एम। हेंस दी कार्डिनैलिटी बिटवीन डिपार्टमेंट एंड कोर्स इज वन टू मैनी। नेक्स्ट क्या लिखा होगा, तो क्वेश्चन है मैनी इंस्ट्रक्टर्स कैन वर्क इन अ डिपार्टमेंट। इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, वन डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स। एक डिपार्टमेंट जैसे सीएस डिपार्टमेंट के अंदर 10 फैकल्टीज हैं, 10 इंस्ट्रक्टर्स हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर होगा वो अगर सीएस का है तो वो सीएस का ही फैकल्टी कहलाएगा। क्या वो ईसी का फैकल्टी कहलाएगा, क्या नहीं, भले ही वो ईसी में पढ़ाने जा रहा हो लेकिन वो फैकल्टी तो किसका कहलाएगा, सीएस का ही। तो सीएस के लिए डिपार्टमेंट के लिए इंस्ट्रक्टर्स मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, ये इंस्ट्रक्टर्स है, तो डिपार्टमेंट के लिए ये मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर जो है वो एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा, इसलिए वन टू मैनी रिलेशनशिप रहेगा। तो वन डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स बट इंस्ट्रक्टर बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट, हेंस द कार्डिनैलिटी बिटवीन डिपार्टमेंट एंड इंस्ट्रक्टर इज वन टू मैनी, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ था, वन डिपार्टमेंट हैज ओनली वन हेड, एक डिपार्टमेंट का एक ही हेड होगा, एंड वन हेड कैन बी द हेड ऑफ ओनली वन डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट का एक ही हेड होगा और जो भी हेड होगा वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट का होगा, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का नहीं होगा। जैसे सीएस का जो भी एचओडी है तो वो सीएस का ही एचओडी रहेगा, वो ईसी का एचओडी बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। तो इन दोनों में किस टाइप की रिलेशनशिप है, वन टू वन। नेक्स्ट क्या है, वन कोर्स कैन बी इनरोल्ड बाय मैनी स्टूडेंट्स। एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट्स जो हैं, कोर्स और स्टूडेंट्स, तो एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट्स इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जावा के लिए 10 स्टूडेंट्स हैं, वन स्टूडेंट कैन इनरोल फॉर मैनी कोर्सेस। अब जावा में 10 स्टूडेंट्स हैं और ये जो स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है वो उसने जावा का कोर्स भी कर रहा है, वो ओरेकल का भी कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब कार्डिनैलिटी क्या है, मैनी टू मैनी, इसको लिखते हैं एम एस टू एन। तो कोर्सेज भी मल्टीपल, एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं और स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेस ले सकता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आएगा। वन कोर्स कैन बी इनरोल बाय मैनी स्टूडेंट्स एंड वन स्टूडेंट कैन इनरोल फॉर मैनी कोर्सेस, हेंस द कार्डिनैलिटी बिटवीन कोर्स एंड स्टूडेंट इज मैनी टू मैनी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वन कोर्स इज टॉट बाय ओनली वन इंस्ट्रक्टर। एक कोर्स को सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्टर पढ़ा सकता है, बट वन इंस्ट्रक्टर टीचेस मैनी कोर्सेस, ठीक है। एक कोर्स को एक ही, जैसे जावा है तो जावा को जो एक्स फैकल्टी पढ़ा रही है वही पढ़ाएगी, ठीक है, लेकिन ये जो फैकल्टी है इट कैन टेक मैनी कोर्सेस, वो ओरेकल भी पढ़ा रही है कहीं पर, सी प्लस प्लस भी पढ़ा रही है, पाइथन भी पढ़ा रही है। तो वन कोर्स जो है, जो है उसे एक ही फैकल्टी पढ़ाएगी, बट इंस्ट्रक्टर टेक्स मैनी कोर्सेस। तो कोर्स और इंस्ट्रक्टर में क्या होगा, एक कोर्स के लिए एक ही इंस्ट्रक्टर होगा, तो यहाँ पर वन आएगा, और जो इंस्ट्रक्टर है इट कैन टेक मल्टीपल कोर्सेस, तो यहाँ पर एम आएगा। तो ये किस टाइप की कार्डिनैलिटी होगी, एम इज टू वन। तो वन कोर्स इज टॉट बाय ओनली वन इंस्ट्रक्टर बट वन इंस्ट्रक्टर टीचेस मैनी कोर्सेस, तो कोर्सेज वाले साइड पे मैनी आएगा और इंस्ट्रक्टर वाले साइड पे वन आएगा, हेंस द कार्डिनैलिटी बिटवीन कोर्स एंड इंस्ट्रक्टर इज मैनी टू वन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स तो आपको नहीं दिए हैं, आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो। मैंने यहाँ पर लिया डिपार्टमेंट का नेम और उसकी लोकेशन, कोर्स में लिया है कोर्स आईडी, उसका ड्यूरेशन कोर्स का कितना है, जैसे वन मंथ टू मंथ्स, कोर्स का नेम क्या है, इंस्ट्रक्टर का आईडी, उसका फोन नंबर, उसका नेम, और स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और फोन नंबर। तो ये आप पे डिपेंडेंट है आप क्या लेना चाहते हो। अब स्टेप फाइव क्या होगा, क्रिएट ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम हम कैसे क्रिएट करेंगे, हमारी एंटिटीज कौन कौन सी है, एंटिटीज को हम रेक्टेंगल में शो करते हैं, तो डिपार्टमेंट, कोर्स, इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट, ये फोर एंटिटीज है।
अब डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स क्या है, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। डिपार्टमेंट का नेम जो है वो यूनिक रहता है इसीलिए अंडरलाइन किया है। कोर्स के एट्रीब्यूट्स है कोर्स आईडी यूनिक रहता है इसीलिए अंडरलाइन किया है। ड्यूरेशन कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर के इंस्ट्रक्टर आईडी फोन नंबर को, इसकी मल्टी वैल्यूज हो सकती है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है इसीलिए डबल इलिप्स में किया है। नेम स्टूडेंट के एट्रीब्यूट, रोल नंबर यूनिक होता है इसलिए अंडरलाइन। नेम फोन नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या था, डिपार्टमेंट ऑफर्स कोर्स, डिपार्टमेंट हेडेड बाय इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट हैज इंस्ट्रक्टर। तो डिपार्टमेंट से ये तीन जो है रिलेशनशिप थी। और कोर्स और स्टूडेंट में क्या था, कोर्स इनरोल्ड बाय स्टूडेंट, ठीक है, और कोर्स इज टॉट बाय इंस्ट्रक्टर। तो ये रिलेशनशिप बन गई। अब हम कार्डिनैलिटी देख लें तो डिपार्टमेंट और कोर्स में क्या था कि एक डिपार्टमेंट मल्टीपल कोर्सेज दे सकता है, ऑफर कर सकता है, और एक डिपार्टमेंट जो है हेडेड बाय वन इंस्ट्रक्टर। तो ये 1:1 ये है कार्डिनैलिटी। और वन डिपार्टमेंट हैज मैनी इंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर ये एन है तो 1:1 है और 1:1 है। फिर कोर्स और इंस्ट्रक्टर के बीच में क्या है कि एक इंस्ट्रक्टर मल्टीपल कोर्सेस टॉट कर सकता है बट एक कोर्स को एक ही इंस्ट्रक्टर पढ़ा सकता है। फिर कोर्स और स्टूडेंट में क्या है, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेस ले सकता है और एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये पूरा जो है फाइनल हमारा ईआर डायग्राम है। अब एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि ड्रॉ ईआर डायग्राम फॉर बैंक या हॉस्पिटल या लाइब्रेरी। तो आपको करना क्या है, गूगल पे आप सर्च करोगे, उसमें टाइप करोगे ईआर डायग्राम फॉर हॉस्पिटल या लाइब्रेरी या बैंक, तो आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। तो आप यही स्टेप्स फॉलो करके बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बैंक का बनाया है, तो इसमें क्या क्या एंटिटीज होंगी, आपको पता ही है कि बैंक की ब्रांचेस होती हैं, लोन होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, अकाउंट होते हैं। तो इस टाइप से आप जो है उन इमेजेस को देख के इस टाइप के ईआर डायग्राम की प्रैक्टिस करना।